गाजियाबाद पुलिस ने दासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की साजिश के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों से फिलहाल पूछताछ कर सच खंगालने में जुटी है। मंदिर के सेवादारों ने शक होने पर परिसर में घुसे दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों की तलाशी ली गई। दोनों के पास से धारदार हथियार और संदिग्ध दवाइयां भी बरामद की गई। पकड़े गए दोनों आरोपी रिश्तेदार हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दोनों रात 9 बजे मंदिर में घुसे थे, जिन्हें सेवादारों ने पकड़ लिया था। उधर इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। तो इस पूरी हत्या में दो आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, लेकिन जानकारी ये कि पूरे मामले की जांच हो रही है। पुलिस पूछताछ कर इन दोनों आरोपियों से सच निकालने में जुटी है। मंदिर के सेवादारों ने शक होने पर परिसर में घुसे दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों की तलाशी ली गई। दोनों के पास से धारदार हथियार और संदिग्ध दवाइयां भी बरामद हुई। पकड़े गए दोनों आरोपी रिश्तेदार हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले। दोनों रात 9 बजे मंदिर में दाखिल हुए थे, जिन्हें सेवादारों ने पकड़ लिया था। इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर के बाहर पुलिस के जवान तैनात हैं और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दासना देवी मंदिर के बाहर और यहाँ के महंत की हत्या करने के आरोप में पहुंचे यहाँ पर दो लोगों को लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये वही मंदिर है जिसके महंत को की हत्या करने के लिए दो लोग बताया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र से यहाँ पहुंचे थे। बीते कल रात 9 बजे का ये पूरा मामला है। 9 बजे दोनों आरोपी दाखिल हुए थे इस मंदिर परिसर में और इसी वजह से आप देख सकते हैं यूपी पुलिस के काफी जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। जो लोग यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं बकायदे उनका यहाँ पर रजिस्टर में नाम वगैरह सब कुछ लिखा जा रहा है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। तकरीबन 15 से 16 दिन पहले बताया ये जा रहा है कि कश्मीर से एक आतंकी दिल्ली पहुँचा था, वो भी महंत की हत्या करना चाहता था, वो आतंकी बताया जा रहा था। अब फिलहाल उस मामले में भी अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि अभी कल रात को दो और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिनके पास से संदिग्ध सामान भी बरामद हुए हैं, आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। फिलहाल लोकल पुलिस जो है मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो लोग मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं उनका बकायदे पूरा नाम फोन नंबर वगैरह के साथ यहाँ पर लिखा जाता है। एक नज़ारा हम आपको ये मंदिर परिसर का दिखा रहे हैं। सेवादारों को सबसे पहले शक हुआ था, जिसके बाद सेवादारों ने सबसे पहले उनका जो दोनों आरोपी थे उनका बैग वगैरह देखा गया। बैग चेक करने के बाद लोकल पुलिस को जानकारी दी गई। लोकल पुलिस पहुंची और उसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बता रहे कि नागपुर से आए हैं, नागपुर से अब पता नहीं कौन क्या करने आए थे, वो सर्जिकल ब्लेड और साइनाइड लेकर। ये तो पुलिस जांच करके बताएगी। और मैं शाम के समय मंदिर के बाहर चला गया था, ना मैं मंदिर में था और ना ही मेरे साथ रहने वाले मेरे शेर, मेरा जो वैनगार्ड है अरावल दस्ता, कोई भी मंदिर में नहीं था। कि मैं अपने जो हमारे सरस्वती दयानंद स्वामी जी है, मैं उनके दर्शन सर्जिकल ब्लेड किस काम किए तुम्हारे? हाँ सर, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, एक कपिंग थेरेपी नाम की एक ट्रीटमेंट होती है। और इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, ये जो दो आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, क्या इनके पास से और जानकारी पुलिस के हाथ लग पाई है? देखिए, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपियों पर आरोप है कि वो जो मंदिर के महंत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, उनकी हत्या करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, ऐसा इस मंदिर के सेवादारों का आरोप है। मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा दूँ। जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद से यूपी पुलिस के जवानों को यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया है। लोकल पुलिस की तरफ से यूपी पुलिस के जवान हर उस शख्स पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं कि जो
मंदिर परिसर में दाखिल हो रहे हैं, उनका बाकायदे पूरी डिटेल ली जा रही है, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उनका नाम फोन नंबर एड्रेस लिखा जा रहा है यहाँ पर रजिस्टर में। और इसी मंदिर के अंदर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बीती रात 9 बजे दोनों, बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी मंदिर परिसर में दाखिल हुए थे, सेवादारों को शक हुआ और शक होने के बाद उनकी तलाशी ली गई थी, धारदार हथियार और कुछ दवाइयां उनके पास से बरामद हुई। उसके बाद लोकल पुलिस को जानकारी दी गई, लोकल पुलिस हरकत में आई, दोनों को गिरफ्तार किया। और फिलहाल इस वक्त की जो खबर है कि अभी भी उनसे पूछताछ जारी है, क्योंकि दोनों महाराष्ट्र के नागपुर के बताए जा रहे हैं, और उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या वो पहले भी गाजियाबाद के डासना वो आ चुके हैं, या अगर नहीं आए हैं या फिर आ चुके हैं तो उनके पास जो मंदिर के महंत हैं उनकी पूरी एक्टिविटी का नॉलेज कैसे है, कैसे उनको जानकारी थी कि रात के 9 बजे के बाद महंत क्या क्या करते हैं। तो ये वो तमाम सवाल है जो पुलिस अभी भी जानना चाहती है। और फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में जो है पुलिस के जवानों को यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया है। ठीक है, हमें दो तस्वीरें एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा दें कि आखिर इस पूरे मामले में अब जिन दो लोगों को हिरासत में लिया गया है उन दो लोगों से पूछताछ हो रही है, पूरी साजिश क्या थी इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन जानकारी ये कि जिन दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और पकड़े गए ये दोनों आरोपी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इन सबसे, इन दोनों से पूछताछ कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा षड्यंत्र क्या था। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, ये जो दो आरोपी पकड़े गए हैं, इन पर किस तरीके से सेवादारों को शक हुआ और क्या मकसद पुलिस को समझ आ पा रहा है इस पूरी साजिश का? देखिए, ये दोनों आरोपी तो सबसे पहले रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, तो जो अभी तक सोर्सेस बता रहे हैं, क्योंकि जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की है तो दोनों आरोपियों ने ये कबूला है कि वो दोनों रिश्तेदार हैं, जीजा और साला हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि मंदिर के बाहर की ये तस्वीर है, और इस तस्वीर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, इस तरीके की लाइनें यहां पर लिखी हुई है। और जो पुलिस से जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में ये सामने आया है कि जो एक शख्स है, वो एक आरोपी जो है वो अपना नाम यूसुफ बताया। फिलहाल पुलिस और डिटेल लेने की कोशिश कर रही है लगातार। ये भी कहा जा रहा है कि जहां के वो रहने वाले हैं नागपुर के, वहां पर भी पुलिस, लोकल पुलिस से भी पुलिस ने संपर्क किया है और उनकी डिटेल लेने की कोशिश हो रही है। देखिए, 15 दिन पहले घाटी से एक आतंकी दिल्ली पहुंचता है और वो उस आतंकी पर आरोप है कि वो भी महंत की हत्या करने के लिए घाटी से दिल्ली पहुंचा था। पुलिस ने इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, पूरी जानकारी दी थी, पूरी डिटेल दी थी, और उसके 15 दिन बाद ठीक ये दो आरोपी गिरफ्तार होते हैं मंदिर परिसर के अंदर से, जिनके पास से धारदार हथियार और दवाइयां बरामद होती है। तो यह मामला जांच का विषय है, पुलिस लगातार इसमें जांच कर रही है। पुलिस किसी भी तरीके से कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहती है। क्या कोई किस मंशा से इस मंदिर परिसर में पहुंचा था वो जानकारी हासिल करना चाहती है, लेकिन सेवादारों का मंदिर के महंत का सीधा सीधा यह कहना है कि उनकी हत्या करने के लिए, महंत की हत्या करने के लिए ये दोनों आरोपी यहां पहुंचे थे। अब पुलिस जब इस पूरे मामले में खुलकर कहेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या पूरी डिटेल देगी, तो उस बारे में मालूम चलेगा, लेकिन अभी शुरुआती जांच है, पुलिस लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अमित, रहिए आप हमारे साथ।